सरकार उम्मीद कर रही है? बिल्कुल, राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आग यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है, और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग EWS के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं। सरकार उम्मीद कर रही? बिल्कुल, राज्यपाल जी गई हैं तो कहना चाहिए कि अनुसूची 9 में भी उसको शामिल करे। वो आग यहाँ दस्तखत करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजे अनुसूची 9 में के लिए, उसके लिए तैयार करके आए छत्तीसगढ़ के हित में, क्योंकि हमारे संवैधानिक प्रमुख है तो उसकी जिम्मेदारी अधिक है, और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग EWS के हितों को ध्यान में रखते हुए उसे कन्विंस करके आएंगी, ऐसा मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं। नारायण चंदेल जी को बयान देने का मौका मिल गया क्या? चलो अच्छा है। मैं तो पूछ रहा हूं भाई, यदि भगवा रंग धारण किए हैं तो उन्होंने त्याग क्या किया है? कपड़े कोई रंग के पहन सकता है, मान लो काले रंग के जैकेट पहन के आज मेरे विरोध करने थोड़ी आए हैं, ये कपड़ा वस्त्र है, वस्त्र रोज बदलते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ धारण करते हैं, वो अंगीकार करते हैं तो वो एक अलग बात है। और आपने अंगीकार किया है तो बजरंग दल के लोग बताएं कि उन्होंने त्याग क्या किया, क्योंकि प्रतीक भगवा है, वो त्याग का प्रतीक है। यदि मैं बोल रहा हूँ, मैं बयान दे रहा हूँ गलत है तो बताए, वो त्याग के प्रतीक है कि नहीं है? सर्वोच्च चीज़ आगे, इसलिए हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर वो ही है, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है, परम्परा है, वो त्याग को सर्वोच्च स्थान दिया है। समाज में भी, हमारे भारतीय समाज में भी त्याग को सर्वोच्च स्थान मिला है। जिन्होंने अब समाज के लिए, देश के लिए सर्वोच्च त्याग किया है, उसको सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। ये बताएं क्या त्याग किए? धन्यवाद। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आज बिलेगढ़ विधानसभा जाना है, उसके बाद फिर एक दिन के बाद कसडोल विधानसभा है, तो लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। 50 से अधिक विधानसभा हो गए हैं, अब वहाँ जा रहे हैं तो पूरी सब बातें होगी। और कोई बात हो बता। देखिए, मैंने उनसे कहा भाई, जो हमारा केसरिया रंग है, भगवा रंग है, गेरुआ रंग है, ये सर्वोच्च त्याग का प्रतीक है। कोई सन्यासी है, ऋषि मुनि है, और जब वो सब त्याग देता है और समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित होता है, तो जो त्याग का सर्वोच्च परिचायक, वही इसीलिए उसको गेरुआ रंग है, केसरिया रंग है, भगवा रंग है धारण करते हैं। मैंने पूछा था कि ये बजरंगी हैं, वो कौन से त्याग किए हैं जो भगवा धारण किए, है ना? तो उसका जवाब तो दिए नहीं, अब सर्टिफिकेट मार दिए। इनकी आदत है, ऐसा है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्म विरोधी हो जाओ, केंद्र सरकार के खिलाफ बोलो तो देशद्रोही हो जाओ, है ना? अब इनके खिलाफ बोलो तो राक्षस। वो सर्टिफिकेट फैक्ट्री है इनके पास, जो बांटते रहते हैं। देखिए, हमारे पास परिस्थितियाँ अनुकूल है, बहुत सारे जब गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहें, अचानक मार कहें, बार नवा पारा कहें, तो बहुत सारे बस्तर में हमारे कांगेर वैली है, ये ऐसे हैं जहाँ इनके लिए अनुकूल वातावरण है। लेकिन हमारे पास टाइगर पहले 46 थे, वो घट गए, तो जिन राज्यों में अधिक है वहाँ से हम लोग मांग करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र में भी अभी जगह छोटी है, बाघ ज़्यादा हो गए हैं, वो कभी कभी छत्तीसगढ़ भी भ्रमण को आ जाते हैं, तो यदि उनसे मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। 800 करोड़ रुपया रिलीज कर दिए हैं, अब लगातार पैसे रिलीज हो रहा है, फिर हल्ला किस बात की कर रहे हैं? केंद्र से सहयोग तो मिलता नहीं, हम रिलीज़ कर रहे हैं उसके बाद हल्ला कर रहे हैं। जिनके माता पिता ना हो तो सरकार को ध्यान देना ही होगा, मैंने पुनीत कार्य किया है। वहीं कल मैं ट्विटर में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी क्या भाषण दिए हैं सेना के जवानों के बारे में, तो उसके बारे में तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए, मुख्य रूप से बात ये है कि देश की सीमा की सुरक्षा होना चाहिए। हमारे जवान हैं वो दुनिया के गिने चुने सेना में से एक है, हमारे सेना, उन हम पूरे भारतीयों को उस पर गर्व है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार सीमा को लेकर मौन साधे बैठी है, लोकसभा राज्यसभा चल रहा है उसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर किस बात की चर्चा करेंगे? ये सदन किस लिए है? चर्चा करने के लिए ना।
और जब विपक्ष इस मामले में चर्चा मांग रहे हैं तो केंद्र सरकार भाग क्यों रही है? चर्चा करना चाहिए, तो ये करते नहीं और दाएं बाएं बात करते रहते हैं। सेना की क्षमता पे किसको किसको शंका है भाई? दूसरी बात, सेना कमजोर करने के लिए अग्निवीर लिया है, 4 साल में प्रशिक्षण करेंगे कि वो सीमा में तैनात होंगे और उसके बाद 21 साल के 17 साल में भर्ती होगी, 21 साल में रिटायर हो जाएगा और शादी कार्ड भी छपेगा रिटायर्ड अग्निवीर। तो सेना के जवान के साथ सेना कमजोर करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है।